दिल्ली में भले ही कोरोना वॉरियर्स को भी अपने इलाज के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा हो, पर सरकार कह रही है कि बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि 5 जून तक दिल्ली में 9,500 बेड उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़ना चिंता की बात है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के अधिकतर मरीज घर से ही ठीक हो रहे हैं, पर एहतियातन सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में पर्याप्त कोविड बेड के इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में 6600 कोविड बेड्स हैं, 2100 बेड्स पर मरीज एडमिट हैं, 4500 बेड अभी खाली हैं, 5 जून तक 9500 बेड और उपलब्ध होंगे। सीएम ने कहा कि पिछले 15 दिनों में कोरोना के करीब 8,500 मरीज आए, लेकिन सिर्फ 500 मरीज ही अस्पताल में एडमिट हुए, बाकी का घर पर ही इलाज जारी है। 14 मई को दिल्ली में 8,500 केस थे, 15 दिन बाद आज 17,000 केस हैं, डबल हो गए, 8,500 केस बढ़ गए। 14 मई को दिल्ली के अस्पतालों में 1600 मरीज थे, आज 2100 मरीज हैं, 8,500 पेशेंट बढ़ गए, लेकिन अस्पताल में केवल 500 मरीज बढ़े। मोटा मोटा मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जितने लोगों को कोरोना हो रहा है, या तो उनको कोई सिम्टम नहीं हो रहा, या उनको इतना मामूली सिम्टम हो रहा है, थोड़ी सी खांसी, थोड़ा सा बुखार, कि अपने घर में इलाज कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के गंभीर मरीजों को बेड और वेंटिलेटर के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए सरकार एक ऐप लॉन्च करने जा रही है। इसके अलावा लोग 1031 पर कॉल करके पता लगा सकते हैं कि किस अस्पताल में बेड खाली हैं। कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी पूरी सरकार इस टाइम कोरोना के मरीजों का इलाज करने की तरफ ध्यान दे रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते दो चीजों पे ही मेरे लिए चिंता होगी। अगर दिल्ली के अंदर कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ने लगा, मेरे लिए चिंता होगी। मेरा पूरी कोशिश है कि कोरोना के मरीज अगर बढ़ भी रहे हैं तो वो ठीक हों और घर चले जाएं, ठीक हों और घर चले जाएं। तो मौत नहीं होनी चाहिए कोरोना की वजह से कम रखने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कोरोना की वजह से मान लीजिए 10,000 पेशेंट हो गए और हमारे पास 8,000 बेड हैं, तो मेरे लिए चिंता का विषय है। जब लोग इधर उधर के धक्के खाएंगे बेड के लिए, मेडिकल के लिए, इंतजाम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, अगर लोगों को धक्के खाने पड़ेंगे तब मेरे लिए चिंता का विषय है। और अगर बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, वेंटिलेटर कम पड़ गए, पीपी किट कम पड़ गए, तो उसकी वजह से मौत भी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उनको इंतजाम नहीं मिलेगा। हालांकि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण कहीं ज्यादा फैल रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमण की दर 1,000 को पार कर रही है, लिहाजा सरकार की चिंता जायज है, पर इस तैयारी का मकसद तभी पूरा होगा जब कोरोना के इलाज या बेड या वेंटिलेटर्स के लिए कोई भी मरीज भटकता हुआ नजर न आए। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से विश्वजीत झा की रिपोर्ट।